दोस्तों वन प्लस का स्मार्टफोन लेना कौन नहीं चाहता है। आज के टाइम में हर एक लोग चाहते हैं कि एक वन प्लस का काफी फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन हमें सस्ते प्राइस में देखने को मिले। और लास्ट ईयर हमें वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट एक ऐसा डिवाइस देखने को मिला था जो कि 5G के साथ हमें अंडर 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल गया था। बट क्या अगर मैं आपको बोलूं कि वन प्लस 9 सीरीज में आपको एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको अंडर 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा, तो क्या आप बिलीव करोगे? मुझे पता है कि आप में से काफी लोग नहीं करोगे। बट दोस्तों फाइनली यहाँ पर कुछ नई लीक्स निकलकर सामने आई है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वन प्लस 9 लाइट जो कि वन प्लस 9 सीरीज का एक लाइटर वेरिएंट होगा, जो कि काफी हद तक वन प्लस नॉट के जैसा ही होने वाला है। और इस डिवाइस का जो प्राइस होगा वो आपको अंडर 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको फ्लेक्सिबल लेवल के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर इस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो सुनकर मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का बहुत ही पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 865 का पावरफुल चिपसेट होने वाला है। तो ये सुन के मैं काफ़ी हैरान था, बट काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स यहाँ पर आई है, यहाँ तक कि ट्रैकिंगटेक ने भी अपने टेक न्यूज़ में यह कन्फर्म किया। उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी में बताया जा रहा है कि आपको 4500 एमएएच की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि आपको फास्ट चार्जिंग के लिए 30 वॉट के वॉप चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इसके बैक साइड के डिज़ाइन और कैमराज के बारे में। तो बैक साइड का डिज़ाइन काफ़ी पहले ही लीक हो चुका है कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें कैमरा की, तो कैमरे में यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर प्राइमरी कैमरा जो होगा वो 48 मेगापिक्सल्स का सोनी IMX586 का सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ओल्ड जनरेशन का कैमरा है, बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। साथ ही में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और आपको एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें वहीं फ्रंट साइड के बारे में, तो फ्रंट साइड के अंदर आपको 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल एक पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें फिंगरप्रिंट की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट इस डिवाइस के फ्रंट साइड के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको ये डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो आपको अंडर 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि वन प्लस 9 लाइट तो एक लाइटर वेरिएंट होगा, तो इसकी प्राइसिंग भी आपको एक लाइटर वेरिएंट के जैसे ही देखने को मिलेगी, बट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो बताया जा रहा है कि जब वन प्लस 9 और 9 प्रो को लॉन्च कर दिया जाएगा, तो उसके बाद इस डिवाइस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।